यहाँ पे गोलम्बर है, इसी के रास्ते से थावे मंदिर जा रहे हैं हम लोग। सो जिस पल का हम लोग को इंतजार था वो रहा सामने, जय थावे मैया। हेलो एवरीवन, दिस इज द सोनू यादव ब्लॉग्स BR06। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज सुबह सुबह मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, कुहा का टाइम आ चुका है, ठंडा ठंडा आप देख सकते हैं। जैसे मैं तभी हम लोग सारे बकैती फ्रेंड ग्रुप का एक प्लान बना रहे हैं ना, तो हम लोग अभी जा रहे हैं गाइस घूमने फिरने। तो चलिए आज क्या हुआ, पूरे दिन बकैती होने वाला, मजेदार ब्लॉग आने वाला। तो आप लोग पूरे कंटिन्यू करना ब्लॉग को, लास्ट तक देख के जाना। तो चलिए चलते हैं। मालिक पिज्जा इसको कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, आगे रास्ते में बताते हैं। ड्राइवर, हाँ तो ड्राइवर जाएंगे, फ्यूल अप करवाएंगे गाड़ी का, फिर लंबे सफर के लिए निकलेंगे। हाँ तो अगर इसको कब्जियत होता तो हम लोग ठीक कर सकते, पर इसको नया नया मोए मोए हो गया है। हम लोग ऑन द वे हाईवे पर है, पर इन लोगों का कमीना पंथी देखिए, एक ट्रैक्टर वाले को रुकवा दिया है और ईंख उनसे ले रहा है, गन्ना ले रहा है। यहाँ पे आई थिंक हम लोग बिहार में है, पर बिहार में सबसे ज्यादा गन्ना का भी खेती होता है। और ये देखिए हम लोग चोरी कर रहे हैं गाइस, ले लो ले लो ले लो, भैया बड़े दिलदार हैं, दे दिए, धन्यवाद भैया गन्ना देने के लिए, बड़े दिलदार भैया हैं। हम लोग ऑन द वे गन्ना लिए हैं और चलते हैं, थोड़ा सा मस्ती करते हैं। और ये रहा कुछ व्यू, मिशन सक्सेसफुल, ये आइडिया कुरपाती इसी का था। ओ माय गॉड, और मांगे चलो ना, आगे जब आदमी है यार, कौन कहाँ चला, आगे और मांगेंगे, अभी तो शुरुआत है। अपनी लोकेशन पे आ गए हैं, ये हम लोग गोपालगंज हथुआ पारा मेडिकल कॉलेज जो है गवर्नमेंट का, वहाँ पे आए हैं, गोपालगंज में कुछ काम था। तो चलिए इस कॉलेज के बारे में आपको डिटेल से बनाते, तो बने रहिए और देखिए आज क्या क्या गोपालगंज में हम लोग मस्ती करते हैं। तो आइए आपको घुमाते हैं हथुआ गोपालगंज हॉस्पिटल, इसके अंदर क्या क्या है, नहीं है सब कुछ आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, ये है फीमेल का वार्ड, इसको एक टाइप का MCH भी कह सकते हैं मुझे जहाँ तक लगता है। इधर है OPD एंड उसके जस्ट बगल में ही कैंटीन का सिस्टम, ये सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ पर कैंटीन व्यवस्था भी है। और ये हमारे सामने पुराने ज़माना का इमरजेंसी वार्ड है, अच्छे अच्छे फैसिलिटीज़ होगी आई थिंक, मैं तो अंदर नहीं गया। और सामने में यहाँ पर पुर्जा कटने का व्यवस्था है, जो भी पेशेंट आएंगे सबसे पहले पूजा करता। और ये सारे जो भी रूम्स देख रहे हैं आप, ये सारा लॉक था, कुछ ना कुछ किसी चीज का ये वार्ड था बट ये लॉक था, मुझे नहीं पता क्यों लॉक है। और ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ये बॉयज हॉस्टल है, ये जो सामने आप कॉलेज देख रहे हैं इसके अंदर एडमिशन काउंसलिंग होता है, यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट का इसी के अंदर काउंसलिंग होता है। और ये आपको GNM क्लास होता है इसके अंदर, ये बिल्डिंग के अंदर GNM क्लास होता है। तो आगे चलते हैं, और ये पुराने टाइप का बिल्डिंग है जो पहले का ये अस्पताल रहा होगा मुझे जहां तक लगता है, काफी पुराना खंडर हो चुका है और बहुत बेकार बेकार इंस्ट्रूमेंट रखा था, मतलब जो भी यूजलेस चीजें इसके अंदर था। तो ये बहुत अच्छा भी लग रहा था, उस टाइम का याद दिला रहा था। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इसके अंदर का क्या क्या है। आगे मैं बढ़ते देखता हूं तो यहाँ पे महारानी का स्टैचू है, उन्होंने ये हॉस्पिटल आई थिंक बनवाया होगा मुझे ये लगता है। तो आप लोग जरूर जाके ये सर्च करना नेट पे। तो चलिए अब आपको कैसा लगा ये हॉस्पिटल टूर, आप लोग जरूर कॉमेंट करके बताना। इमरजेंसी वार्ड यहाँ का देख सकते हैं कैसा है आपके सामने, पुराने ज़माने पे है अभी तक, फिर मॉडिफाई करके बनाया जाएगा नया, बट अभी पुराने ज़माना का ही है। और वो रहा मेन गेट, उससे हम लोग एंट्री किए,
तो हम लोग गोपालगंज के हथुआ हॉस्पिटल में घूम रहे हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है? आपको कैसा लगा घूम के? कुछ इसका फीडबैक दीजिए। ठीक है, स्कीम से एक अलग अच्छा चीज है। शांति बहुत, शांति और थोड़ा क्लीननेस बहुत अच्छा है यहाँ पे। क्लीननेस बहुत मस्त है, बहुत अच्छा चीज देखने को मिला पूरे पुराना जमाना का। तो ये देख के अच्छा लगा हमको। ये लेका तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ क्या कर रहा है लोग? ये लेका यहाँ क्या कर रहा है? छोटा शहर, छोटा गांव, छोटा मंदिर। हाय 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 हाय। तो बच्चा डर गया इससे, तुमसे डरा था, तुमसे डरा है, हमसे नहीं। एक दुकान दो काम है ना भैया? गोपालगंज जाने में आपको ये कॉलेज में बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कथी कथी बता, नौका आलू है। नौका नौका आलू है, बड़ा हैंडसम लग रहा है। क्या बोला तूने? हम लोग गोपालगंज के हथुआ शहर में घूम रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अंदर में हॉस्पिटल आपको बहुत अच्छा है, पर ये घोपा है और ये चोपा है, ये टोपा है। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? कौन है गुगली? बट हाँ, मन लग रहा है कि ऐसा नहीं लग रहा कोई अनजान शहर में आए हम लोग, और खूब मजेदार मजा कर रहे हैं हम लोग। अभी चलेंगे कुछ देर, और भैया जो दुकान में गए थे वो मस्त भैया थे। फिर से दोबारा चलते हैं, एंजॉय एंजॉय करेंगे, फिर आएंगे। उसके थावे मंदिर भी जाना है, वहाँ का ब्लॉग आने वाला है गाइस। मनीष कैसा मारा है कि जाके बिछौना धर लिया पीछे, ब्लॉग बनाने वाला। अरे ब्लॉग बना के उसका क्या बना दिया? और प्याया और ये सो गया था, इसको देखते क्या होता है। चले खाना मिलेगा। एक बार आए, वंस मोर खाना खाना चल बे दोस्त। वे एक बार नहीं चले खाना खा पर हो। तो हम लोग हथुआ चौक से निकलने का आ गए हैं थावे चौक पे। अब यहाँ पे गोलंबर है, इसी के रास्ते से थावे मंदिर जा रहे हैं हम लोग। थोड़ा भगवान का भी आज दर्शन कर लेते हैं, तो चलिए थावे माँ के मंदिर चलते हैं हम लोग गाइस। प्लान नहीं बन रहा था, बट रेंडम मूड किया, फिर हम लोग थावे मंदिर के तरफ चल रहे हैं। तो ये देख सकते हैं थावे मंदिर के गलियों में हम लोग घूम रहे हैं, क्या नज़ारा है। आप लोग ज़रूर एक बार आएँ थावे मंदिर। सो जिस पल का हम लोग को इंतजार था वो रहा सामने। जय थावे मैया, ये हमारे सामने थावे मंदिर, आप लोग जरूर दर्शन करें। हम लोग मंदिर के अंदर चल रहे हैं, बस भगवान का दर्शन करेंगे थावे माई का। ये रहा मंदिर के अंदर जाने का एंट्री गेट, आप लोग आए और अब दर्शन करें। यहाँ पे शेर है, उसके बाद माता रानी का दरबार खुला हुआ है आप लोगों के लिए हमेशा। जय थावे वाली मैया, जय माता दी। हम लोग मंदिर के अंदर में हैं, माँ का दर्शन कर चुके हैं, पर अंदर वीडियो फोटो लेना मना है, तो आप लोग बाहर से ही दर्शन करें। जय थावे मैया। और अगर मोबाइल पकड़े जाने पे 500 रुपया जुर्माना लगेगा, साफ साफ लिखा हुआ है, तो बाहर से कर सकते हैं। मैंने यहाँ से उनसे भैया से पूछा है, तो उन्होंने बताया है कि आप लोग बाहर से कवर करो और अंदर से नहीं कर सकते। तो ये व्यू है थावे मंदिर का, कितना प्यारा लग रहा है, एक अलग ही वाइब आ रहा है यहाँ आने के बाद। हम सब सारे फ्रेंड ने दर्शन कर लिया बहुत अच्छे से, और यहाँ पे घूमते हैं थोड़ा देर, फिर घर निकलेंगे, काफी रात हो गया है। तो जय थावे मैया। ज्यादा इम्पोर्टेंस किसका हुआ? वहाँ से खुलता है, वहाँ अंदर से। हर जय थावे वाली मैया।
सो हम लोगों ने दर्शन बहुत अच्छे से कर लिया, बट क्या हुआ था कि हम लोग बहुत रेंडम आना पड़ा, इसलिए हम लोगों ने पूजा नहीं किया, बस माँ का दर्शन करके अभी हम लोग जा रहे हैं। एक बार जरूर आएंगे, थावे मंदिर का जरूर ब्लॉग बहुत अच्छा से बनाएंगे, तो आप लोग ढेर सारा प्यार देना। तो अभी चलते हैं, और अभी मुजफ्फरपुर पहुँचना है, काफ़ी रात हो गया, तो यहाँ आके मन एकदम खुश हो चुका है, और मतलब एक अलग ही वाइब आ रहा है यहाँ पर आने का, मतलब सारा टेंशन मतलब जो भी मतलब प्रेशर ये सब मतलब खत्म हो जाएगा यहाँ पे आने का, पूरा मूड सारा कुछ चेंज हो जाएगा, बहुत सुकून मिल रहा है, मन तो कर रहा है यहीं रहना, बट अभी जाना है, एक बार जरूर आएंगे थावे मंदिर, पूरा का ब्लॉग बनाएंगे, यहाँ पर बड़ा मज़ा आ रहा है आके, तो बोलो जय थावे मैया। हम लोग मंदिर के पास से हैं, देखिए कितना शांत माहौल और कितना प्यारा लग रहा है यार, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं कितना हैप्पी हूँ यहाँ आके, मन नहीं कर रहा है जाने का, एक अलग ही वाइब आता है, आप जब भी धार्मिक स्थल पे जाओगे तो वहाँ का एक अलग ही वाइब आता है। तो ये रहे हमारे सामने थावे वाली मैया, और शाम का नज़ारा, कितना मज़ा आता है यार इस गलियों में घूमने का, तो आएंगे पक्का एक दिन, फिर से अच्छे से ब्लॉग बनाएंगे। रुपू कैसा फील आ रहा है यहाँ आके? अच्छा सा लग रहा है, एकदम नीचे से ना वो क्या बोलते हैं ठंडा ठंडा, अच्छा अच्छा नम नम सा फील हो रहा है, फील फ्रेश सा। हाँ हाँ, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ आने के बाद? मैम दूसरा बार आया, लेकिन जय बार मजा आया, अगला बार फिर आना है एक ना एक बार, तो ये तू लेके आया तब आएंगे जरूर जरूर। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो अब सीधा गाड़ी के पास चलेंगे और सीधा मुजफ्फरपुर के लिए निकलेंगे। तो ये रहा कुछ थावे मंदिर के गलियों का व्यू, ये भी मेला में आके बच्चा बन गया है, और देखिए बच्चों वाली हरकतें दोनों कर रहे हैं, ओ माय गॉड कितना प्यारा लग रहा है। चल चल बच्चा बहुत होगा, मेरा बारी है। आपका ब्लॉगर सोनू कुमार यादव 06 BR06 सोनू कुमार यादव। हम लोगों ने ढेर सारा मस्ती किया, उसके बाद घर की तरफ निकल रहे, तो यहाँ थावे का सबसे फेमस चीज़ जो नहीं खाए हैं तो आप लोग बहुत पछताएंगे, ये बहुत फेमस है गुजिया, प्योर देसी घी में बनता है, और क्या खुशबू रहती है, मैंने तो गरम गरम खाया, ट्राई किया, मुंह में पानी आ गया यार, आप लोग ज़रूर जाओ, और ये नहीं खाया तो क्या खाया, गोपालगंज का सबसे फेमस चीज़ है। तो चलिए यहाँ पैकिंग करवाते हैं, फिर घर की तरफ निकलते हैं।